कर्मेन शर्मा। इस वक्त हम मौजूद हैं बदलापुर में, जहां पर विद्युत उपकेंद्र बनाया गया है। हम उसके सामने मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि यहां भी विद्युत कर्मचारियों द्वारा हड़ताल का दिखाई पड़ रहा है। कैमरामैन से दिखाएंगे कि यहां पर ताला लगा हुआ है विद्युत उपकेंद्र बदलापुर में। आप देख सकते हैं यहां भी ताला लगा हुआ है। पूरे क्षेत्र में हाहाकार मचा हुआ है। विद्युत की सप्लाई न होने की वजह से अस्पताल से लेकर घरों में पानी की समस्या सहित अन्य समस्याएं भी दिखाई दे रही हैं। जनता पूरी तरह त्रस्त है। कब इससे निजात मिलेगी? अभी तक उच्च अधिकारियों द्वारा इसके बारे में कुछ भी बताया नहीं गया है कि विद्युत आपूर्ति सेवाएं कब शुरू होंगी। बदलापुर में कुछ ग्रामीण यहां पर पहुंचे हैं यह पता लगाने के लिए कि विद्युत आपूर्ति सेवाएं कब शुरू होंगी। आइए हम इनसे भी जानते हैं कि विद्युत आपूर्ति कब सेवा शुरू। क्या नाम है आपका? नीतीश कुमार यादव। विद्युत आपूर्ति बाधित चल रही है, तो इससे क्या समस्या हो रही है? समस्या है कि सबसे बड़ी बड़े समस्या है कि पानी पीने की सबसे बहुत समस्या है। और रही चीज ये ग्रामीण वर्ग के लोगों के लिए पानी की जो असुविधा हो रही है, जब नलकूप नहीं चलेगा, पंप नहीं चलेंगे, उससे तमाम तरह की समस्या हो रही है। और या तो मोबाइल सोबाइल सब डिस्चार्ज हो चुका है, सब बंद हो चुका है, कैसे चालू होगा? विद्युत जल्द से जल्द, मतलब हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जल्द से जल्द हमें प्रदान किया जाए। शासन प्रशासन से आप क्या कहना चाहते हैं?